फिटनेस फंडामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज मी परत आलो आहे सांताक्रूज पश्चिमच्या द पिलाटेस स्टुडिओमध्ये पिलाटेस व्यायामाचे काही नवीन व्यायाम प्रकार बघायला. आपल्यासोबत मृण्मयी आहे आपल्या व्यायाम दाखवायसाठी. हाय मृण्मयी, कशी आहे? आणि तज्ञ आहेत आपले सर समीर पुरोहित. मजे में सर. कल आपने जो बेसिक्स दिखाए हमें काफ़ी अच्छे लगे. आज हम क्या नया देखेंगे? काफ़ी चीज़ देखेंगे जो हम लोग जिम के बदले में कर सकते हैं. जैसे कि दिखता है आपका बॉडी काफ़ी जिम डेवलपमेंट है वहाँ पे. लेकिन जैसे लास्ट कल हम लोग ने लेग्स के थोड़ा बताया जो स्क्वाट्स के बदले में हम लाई डाउन करके कर सकते हैं. वो आज हम लोग ज़्यादा अपर बैक और शोल्डर्स और मे बी एब्स. अगर टाइम रहेगा तो एब्स भी दिखा देंगे. चलो सर, मैं ये जानना चाहता था कि एक्सरसाइज जो जिम के एक्सरसाइज है वो तो लोग करते हैं लेकिन थोड़ा बोर हो जाते हैं, काफ़ी हेक्टिक होते हैं, थकान देने वाले भी होते हैं, तो इसके सब्स्टिट्यूट पिलाटेस में है क्या एक्सरसाइज? आपको सच बताओ तो कोई भी पिलाटेस कर सकता है. लेकिन जो बल्क जैसे कि आपको बड़े मसल्स बनाने हो तो वो पिलाटेस में फ्रेंकली नहीं बनेंगे. वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको लीन रहना है और जैसे आपको लेंथन फील होना है, आपकी बॉडी एकदम इरेक्ट, तो पिलाटेस वो आपके लिए एकदम सही है. तो जो अभी हम एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं उसको कहते हैं आर्म पुलिंग स्ट्रैप्स ऑन द लॉन्ग बॉक्स. तो ये इसको हम लोग विदाउट द बॉक्स भी कर सकते हैं, लाइंग डाउन ऑल्सो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है. तो पहला जो एक्सरसाइज है उसको जस्ट स्ट्रेट, इसको बोलते हैं प्लाव. तो पहला एक्सरसाइज प्लाव है जो स्ट्रेट कमिंग डाउन आपका बैक को, अपर बैक को वर्क करता है. एक्सहेल, कनेक्ट योर कोर, इनहेल टू प्रिपेयर, एक्सहेल एंड पुल इट टुवर्ड्स यू, वन, टेक इट बैक बिहाइंड, वन, लवली एंड स्लोली, मे बी नॉट सो मच बिहाइंड, टू. That's good. Three, be nice and stable. So you're working more on your lats, that's upper back here. Also on your triceps. You're also working your rear deltoids. Bahut acche. Abhi jo second exercise hai, usko kehte hai 45 degrees ya airplane. जो पहले एक्सरसाइज था वो हम लोग ने ट्राइसेप्स को भी थोड़ा वर्क किया, रियर डेल्टॉइड्स को भी वर्क किया और आउटर लैट्स को वर्क किया. अभी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो और अंदर जाएगा, मतलब वर्किंग टूवर्ड्स द ट्रपीज, राइट? तो सेकेंड एक्सरसाइज है, आप 45 डिग्री आर्म रखोगे और पीछे जाओगे. एक्सहेल, कनेक्ट योर कोर, पहले इनहेल टू प्रिपेयर और एक्सहेल करके आप पीछे जाओगे, वन और बैक, टू. ये जो है वर्किंग यहाँ पे करोगे वो रियर डेल्टॉइड्स को वापस करेगा, ट्राइसेप्स भी करेगा और यहाँ पे जो अपने लैटरल लैट्स है जो ट्रपीजियस के बाजू में है वो भी वर्क करते हैं. लास्ट वन, नाइस एंड स्टॉप. अभी जो थर्ड एक्सरसाइज है उनको हम लोग कहते हैं ओपन एल्बोज. ओपन एल्बोज हम दूसरा नाम देते हैं रीड अ बुक जैसे कि. तो मतलब मृण्मय, ये जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ डालेगी फोर आर्म्स पे और जैसे कि वो अभी बड़ी बुक पढ़ रही है उसको, इसको कहते हैं हम ओपन एल्बोज. और ये एल्बोज रहेंगे एकदम पैरेलल टू द फ्लोर, जैसे कि अगर टेबल है यहाँ पे वो हिसाब से. सो एक्सहेल, कनेक्ट योर कोर, इनहेल टू प्रिपेयर, एक्सहेल, ओपन द बुक अप, वन, लवली. तो ये जो है वर्किंग द ट्रपीज, ट्रपीज को वर्क करते हैं और ये कम्प्लीटली ये एरिया को. अब द फोर्थ एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं बाइसेप कर्ल. तो ये भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग बाइसेप्स को आइसोलेट करने हैं. तो आपके आपके जो हाथ रहेंगे उनमें एकदम ओपन रहेंगे लेकिन एल्बोज आप ड्रॉप नहीं करोगी. सो एकदम फोकसिंग ऑन द बाइसेप्स और अ लॉट ऑफ स्टेबल शोल्डर स्टेबिलिटी, राइट? सो एक्सहेल, कनेक्ट योर कोर, इनहेल टू प्रिपेयर, एक्सहेल एंड कर्ल, डू नॉट ड्रॉप द एल्बोज, और एल्बोज को नीचे ड्रॉप मत कीजिए, वन, लवली, थोड़ा बहुत और कर्ल कीजिए, टू, नाइस नाइस, बहुत अच्छे, थ्री, गुड फॉर्म है मैम, गुड फॉर्म, थ्री, फाइव मोर, नाइस. लास्ट एक्सरसाइज जो पांचवा एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन. तो मृण्मय, लेट्स डू दिस. सो एक्सहेल, कनेक्ट योर कोर, इनहेल टू प्रिपेयर,
Exhale and out you go one. Nice, nice. Don't move your shoulder joint. Shoulder joint move नहीं रहेगा, खाली elbow joint move रहेगा. Nice. ठीक. Are you feeling the work in the mat? Bicep is working. Nice. And last one. Well done. That's a good one. Thank you. तो अभी हम लोग ने अपर बैक का एक्सरसाइज कर चुके हैं. अभी मृण्मय को हम लोग ने पोजीशन चेंज करके वील वर्क मोर शोल्डर्स और चेस्ट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्ट्रेट अप और स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो एक्सहेल कनेक्ट योर कोर. इनहेल टू प्रिपेयर. एक्सहेल लिफ्ट योर हैंड अप पैरेलल टू द फ्लोर. एक हम लोग ने अभी पहले जो एक्सरसाइज की थी वो थी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी द सेकंड वन जो है वो हम लोग उसको कहते हैं सेकंड पोजीशन. उसका वर्किंग है चेस्ट के लिए और फ्रंट डेल्टॉइड. सो एक्सहेल कनेक्ट योर कोर. इनहेल नाउ ओपन योर हैंड्स अप एंड एक्सहेल कम अप वन. वन लवली. लिटिल लोअर टू. दैट्स गुड. अभी जो हम लोग तीसरा एक्सरसाइज करेंगे उसको कहते हैं ऑफरिंग. और जब हम ये सीखे थे तब खाली मस्ती में मैं बता रहा हूँ, जो हमारी जो टीचर थी वो कनाडा से आई हुई थी, तो वो हम लोग ने उसने ऐसे बताया था कि आप सोचो कि आप जा रहे हैं टेंपल में, और अगर आप ये टेंपल में आप जा रहे हो तो भगवान को आप जब ऑफरिंग करते हो, कुछ भी प्रसाद देते हो, तो आपके पाम्स जो रहते हैं वो एकदम सीधा रहना चाहिए. अगर पाम्स ऐसे हो जाएंगे तो ड्रॉप हो जाएगा आपका प्रसाद और भगवान बहुत गर्म हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे. इसलिए हम भी वो हिसाब से सिखाते हैं. तो मृण्मय आपके हाथ एकदम सीधा. सोचो आप भगवान के पास जा रहे हो प्रसाद लेके. तो यहाँ यहाँ रखो आप यहाँ. तो एक्सहेल कनेक्ट योर कोर फर्स्ट. इनहेल एक्सहेल आप सीधा हाथ ऊपर वन. इनहेल आप हाथ खोलो ऐसे खोलो. इनहेल इन्हें फिर भी आप ऐसे ऊपर रहेगा. फैंटास्टिक. और एक्सहेल करके अंदर आइए और इनहेल वापस. वेरी गुड. टू. यहाँ पे हम लोग डेल्टॉइड्स को भी वर्क करते हैं और करके लैटरल डेल्टॉइड्स. कम बैक इन. नाइस. और नीचे. नाइस. दो और टाइम. गुड. Very good. Or come back. Thank you. Wow. पिलाटेजवरच्या मशीनवरचे हे एक्सरसाइज मला तर खूप आवडले. मी सुद्धा करणार आहे, तुम्हालाही दाखवणार आहे. त्यामुळे उद्या मला परत भेटा फिटनेस फंडामध्ये.